नमस्कार, कविता झांसी की रानी। कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। गतांग कविता के आगे कविता और भावार्थ। पूजा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रीमती सुभद्रा जी आगे की गाथा प्रस्तुत करते हुए समझा रही हैं कि राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया और यह समाचार सुनकर डलहौजी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि यह राज्य को हथियाने का सबसे अच्छा अवसर है और उसने सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। रानी के आंखों में दुख के आंसू थे, परंतु वह अपने राज्य को किसी और के अधीन यानी ब्रिटिश राज्य के अधीन और सुनसान नहीं देख पाई। छिनी राजधानी दिल्ली, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अंग्रेजी की दमनकारी नीति को बताया है कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया और अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली, देखते ही देखते लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक सभी राज्य उन्होंने हथिया लिए। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास सभी राज्यों की ऐसी ही दयनीय दशा थी। बुंदेले हमें इन कथा के साथ साथ रानी की कथा भी सुनाते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बड़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान की ओर चलते हैं, जहां लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान अंग्रेजों से एक योद्धा की भांति लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए रानी की ओर बढ़ा और वह रानी की वीरता के आगे टिक नहीं पाया और घायल होकर भाग गया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिल जाने के पश्चात भी फिर से अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर घेर लिया, परंतु वीरांगना लक्ष्मीबाई और उनकी सखियां कान्हा और मंदरा
ने अपनी सेना के साथ मिलकर जनरल स्मिथ को हरा दिया। भयंकर युद्ध के पश्चात पीछे से यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी गई सिधार, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मृत्यु के पश्चात चिता ही उनकी अब अलौकिक सवारी थी। उनका तेज यानी उनकी वीरता, उनकी ओजस्विता अग्नि के तेज में मिल गई। तब मात्र वह 23 वर्ष की उम्र की थी। वह एक असाधारण मनुष्य के रूप में वह दिव्य अवतारी रूप थी। अपना जीवन तो वह सफल बना गई। रानी स्वयं दिव्य शक्ति के रूप में अवतार लेकर एक स्वतंत्रता देवी बनकर हमें जीवन का सही मार्ग सिखा गई और आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। धन्यवाद। जय हिंद।